आज मैं छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकासखंड सीतापुर के देवगढ़ ग्राम पंचायत में हूँ, जहाँ चैन साय जो एक आदिवासी है, गरीब है, किसान है, इसके नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2009-2010 में एक कुआं निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। कार्य सरपंच सचिव की निगरानी में कराया गया था। इस काम में मजदूरी भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन कुआं में लगे सामग्री के पैसे का भुगतान हितग्राही चैन साय को अपनी जमीन गिरवी रख करके देनी पड़ी। मैं प्रकाश गुप्ता और ये है मेरा समुदाय। सरपंच और सचिव बोले कि भाई ते पहले लगा भी पैसा था तो जल्दी बनी और पैसा अभी जल्दी नहीं निकली। कौन सरपंच सर कहीं तोला? हमारा सरपंच। और सचिव कौन रही? सचिव रही सोने कमाल। सोने कमाल, अच्छा, रोजगार सहायक। हाँ, रोजगार सहायक। तो ये तो पैसा प्राप्त हो करके ये समस्या का समाधान के लिए क्या प्रयास करे? ये समस्या ला में जाए कि सरपंच के बोले हमारे सरपंच जाए कि साहब हमारे पैसा जो घर से मैं दे हूँ वो पैसा ला निकाल दो, मैं बाबा की गरीब आदमी हूँ, गहना खेत में होगी शहर छोड़ा हूँ मैं, है ना, तो काढ़े रहे पैसा ला, धीरे धीरे मैं गहना खेत करके वो पैसा काट के मैं दे हैं। तो कौन खेत ला गहना कर रहे हैं? यही खेत ला कुआ बनवा ही खेत। ये तो एक कुआ है और एक खेत में तोर है। हाँ, मोर है। अच्छा, वो पैसा मतलब गहना करके दे वाला चुकता करे है? हाँ, गहना करके और थोड़ा बहुत उधार भी काट है। चैन साय जैसे कई लोग हैं जो इस तरह सरपंच और भ्रष्ट नौकरशाहों की मनमानी को झेलने के लिए मजबूर हैं। मेरा इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से अपील है कि चैन साय को पैसा दिलाने के लिए सीतापुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय नारायण तिवारी को फोन करें और अपील करें कि चैन साय को उसके लगाए पैसों का भुगतान करने के लिए ठोस कदम उठाएं। विजय नारायण तिवारी का मोबाइल नंबर है 8959087509। मैं प्रकाश गुप्ता सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडियन हर्ट के लिए।